असलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। क्लास में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव को हम डेफिनेशन पर कुछ डिस्कस किए थे, हमने उसका जो बेसिक फार्मूला था वो हमने डिस्कस किया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके जाने वाले हैं। हम थोड़ा सा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे, बेसिक फार्मूले डेरिवेटिव के वो हम पहले डिस्कस करेंगे उस पर, और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन करेंगे। जो बुक के क्वेश्चन हैं उसको हम उठाएँगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक अलजेब्रा के रूल्स है, कुछ बेसिक डेरिवेटिव के फार्मूले, उन दोनों को हम मिला के डिस्कस करना चाहेंगे। बेसिक अलजेब्रा के पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। हमारा जो लेक्चर है वो स्ट्रक्चर जो होगा वो आज इस तरह से है कि पहले हम अलजेब्रा के रूल डिस्कस करेंगे, अलजेब्रा के बेसिक रूल डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और फिर बेसिक डिफरेंशिएशन है, पावर रूल है, इक्वेशन रूल है, और उसके बाद जनरलाइज पावर रूल है। फिर दो चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है और एक नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है। ये दोनों हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक रूल्स है अलजेब्रा के, अलजेब्रा के बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर है जिसका पावर जीरो है वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 पावर 0, ये भी 1 के बराबर, ये है 2 पावर 0, ये भी 1 के बराबर। फॉर एग्जांपल 100 पावर 0 हमेशा 1 के बराबर। फॉर एग्जांपल 0.1 का पावर 0, ये भी 1 के बराबर। इन जनरल एनी नंबर पावर 0 इज ऑलवेज अ प्रिमाकोनिस्टिक, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट रूल है, अगर हमारे पास दो पावर है सेम नंबर के पावर है वो प्रोडक्ट में है, तो उनको जो पावर होते हैं उसमें जमा हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है एक्स पावर 2 और साथ में है एक्स पावर 3, तो ये दोनों के बेसिस सेम है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो ये जो पावर है ये पावर उसमें क्या हो जाएंगे, ये पावर आपस में एड हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2 + 3 x पावर 5, सही है। इसी तरह से दूसरा अगर हमारे पास एक है x पावर 2 एक है x पावर -1, तो अगेन बेसिस सेम है, ये भी x है ये भी x है, इसके भी पावर आपस में जमा हो जाएंगे, हो जाएगा 2 + -1। लेकिन हमें पता है कि प्लस इंटू माइनस वन के बराबर हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर 2 - 1 बिकम्स एक्स पावर। तो जब भी बेसिस सेम हो तो पावर आपस में एड होगी, हमेशा रिमेंबर दोस्तों। इसके बाद हमारे पास है अगला रूल क्वेश्चन का रूल, ये कहता है कि अगर हमारे पास रूल पावर है एक पावर डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में है, तो ये बराबर हो जाएगा एक्स पावर एम माइनस, तो नीचे वाला पावर हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे पास है लेट्स सपोज एक मेरे पास है एक्स पावर 3 और दूसरा है मेरे पास एक्स पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा एक्स पावर ऊपर वाला पावर है जिनमें 3 और नीचे वाला पावर है 2, और नीचे वाला पावर जब मिलेगा मेरे पास नीचे वाला पावर मिलेगा माइनस, हो जाएगा 3 - 2 एक्स पावर। सो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा पावर पैसे सेम होंगे तो नीचे वाला पावर हो जाएगा वो नेगेटिव बनेगा और ऊपर वाला पावर, इस तरह से ऊपर वाला पावर अगर नीचे आएगा तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास है एक्स पावर 2 / x पावर 3, तो अगर मैं इस ऊपर वाले को नीचे लाऊंगा तो नीचे वाला ऑलरेडी वेरिएबल मौजूद है वो है 3 और ऊपर वाला पावर 2 है वो 2 बन जाएगा। तो जब भी हम पावर को नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर लेके जाते हैं या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर लेके जाते हैं, तो इससे नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। अरे जी आगे चलते हैं, अगला हमारे पास है ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये भी आना चाहिए रिमेंबर दिस थिंग, ये प्लस के रूट है, प्लस के रूट मतलब क्या होता है एक्स का पावर 1 / y² है, y ये
बेसिकली क्या है, वही पावर तरह से इसका एक और उस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। बाजू का हमारे पास आता है स्क्वायर रूट के अंदर पावर होता है और स्क्वायर रूट के इस वाले जगह पर ये जो ये वाली प्लेस है यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कुछ दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल क्यू टू का कुछ भी लगा, ठीक है। तो ये हमेशा बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स, ये ऊपर वाला पावर यहाँ पर, अंदर वाला पावर यहाँ पर आएगा और ये जो पावर हमारे पास बाहर होगा ये इसके डिनोमिनेटर एक्स पावर ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक्स पावर थ्री, उसके रूट है यहाँ पर फाइव लिखे, तो ये बन जाएगा एक्स पावर ये वाला पावर ऊपर और ये वाला पावर जो है ये वाला नीचे एक्स पावर थ्री बाय फाइव। रिमेंबर ऐसे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक्स पावर थ्री बाय फाइव। अभी लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स पावर फोर है और यहाँ पर हमें दिया है सेवन, मतलब क्या है एक्स पावर फोर बाई सेवन। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स पावर थ्री है और लेट्स सपोज इसमें ठीक है, ये अगर हमारे पास अगर एक्स पावर थ्री है तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर है फाइव और यहाँ पर थ्री है, क्या हो जाएगी एक्स पावर फाइव। अंदर वाला पावर है ये ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वाला पावर है हमारे पास बाहर वाला पावर हमारे पास नीचे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है नेक्स्ट बेसिक रूल्स ऑफ अलजेब्रा है। हाँ, ये एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, बेसिक चीज़ है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हमने दो फ्रैक्शन को ऐड करना है, ये सब ट्रैक करना है ये चीज़ें। लेट सपोज मेरे पास है एक टू बाई थ्री और एक है वन बाई, अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो अगर ये दोनों नंबर सेम हो, दोनों डिनोमिनेटर सेम है अगर, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये वाला नंबर जो होगा ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा प्लस अपनी जगह पर, और ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थ्री बाई थ्री प्लस अपनी वापस आ जाएगा। उसके तौर पर मेरे पास है फाइव बाई सिक्स और यहाँ पर है लेट्स सपोज लेट्स सपोज मेरे पास है सेवन बाई सिक्स, और चूँकि ये दोनों नंबर बराबर हैं पिरामिड सेम सेम है तो ये सिक्स ही बन जाएगा, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ये फाइव अपनी जगह पर और ये सेवन जगह पर मेरे पास हो जाएगा फाइव बाई सिक्स माइनस के अंदर, ठीक है। और यही काम अगर हमारे पास माइनस हो तो माइनस वाली हमारे पास ऐसे ही होगा, ऐसे ही हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर देखें टू बाई थ्री प्लस वन बाई टू, मतलब अगर हमारे पास छोटी नैनट है तो अगर सेम ना हो सब हमारे पास है टू बाई थ्री और हमारे पास है वन बाई टू, सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, छोटी नैनट है पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम निकालने का तरीका तो पढ़ा भी होगा मेरे पास समय देख लें। देखो ये दो और तीन जो नंबर हमारे पास बेसिकली ये आपस में ये किसी भी एक नंबर पर दोनों डिवाइड नहीं होते, मतलब न ये टू पे होते हैं दोनों एक साथ, न थ्री पे होते हैं दोनों एक साथ, ये किसी भी एक नंबर पर दोनों डिवाइड नहीं होते एक ही टाइम पे। तो अगर हमारे पास ऐसे नंबर हो जिसका कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, आपस में प्राइम होते हैं या कोप्राइम होते हैं, उनका जो एलसीएम होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, ये इसका एलसीएम होता है, हमारे पास हो जाएगा इसके इसमें सिक्स। तो सबसे पहले अगर ये डिनोमिनेटर वाले नंबर मुख्तलिफ है तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने का एक तरीका है, अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा सिक्स, ठीक है। फिर इस फ्रैक्शन के लिए, इस फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास ये थ्री, इस एलसीएम को इस थ्री पे हम डिवाइड करेंगे और आने वाले आंसर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू आ गए हमारे पास, ये टू इस टू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस अपनी जगह पर, अब इस नंबर के लिए, इस फ्रैक्शन के लिए अगेन इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, अब के बाद ये सिक्स है, नीचे वाला नंबर टू है,
इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और हमारे पास आएगा 3। इस 3 को उनके रोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बचेगा 3, ये बन जाएगा 7 पीसेस। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर मुख्तलिफ, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ है, तो हम उसको इस तरीके से पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के बाद जो हर एक का जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है एलसीएम को उससे डिवाइड करेंगे और आने वाले आंसर को उस रोल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा बिल्कुल से दूसरा, तीसरा और उस दिन हमारे पास के अंदर फ्रैक्शन मौजूद है, उस तरीके से हम उसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास है 5/7, दूसरा मेरे पास है लेट्स सपोज 1/3। अगेन 3 और 7 का कोई कॉमन मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोई सॉरी कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 7 आएगा, मेरे पास हो जाएगा 21। ये यहाँ पर आ जाएगा 21। अब क्या करेंगे, 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 3 और इस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 5। फिर क्या करेंगे, फिर अगेन इस एलसीएम को 21 को हम डिवाइड करेंगे के बाद 3 से, इस फैशन की बात नहीं करते, तो इसकी मेन्शन नंबर कौन सा बैठा है, 3, तो हम 21 को पहले फिर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 और इस नंबर को फिर उन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 × 5, ये बन जाएगा 15/7/21, ये बन जाएगा जनाब 22/21। सो दिस इज ऑफ फ्रैक्शन, इस तरह से हमारे पास जो भी फ्रैक्शन हो उसको उस तरीके से सिम्प्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक तीसरा हमारे पास सिचुएशन बन सकती है, तीसरी सिचुएशन, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ए से हो, ए के फॉर एग्जाम्पल 1/2 और दूसरा हमारे पास है 3/8। अब ये जो नीचे वाले नंबर्स है इसमें एक है 2 और एक है 8, इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है 2, क्योंकि 2 पर 2 भी डिवाइड होता है, 8 भी डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको याद हो हम पहले उसको डिवाइड करेंगे जिस ऐसे नंबर से जिस ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 से, 2 से 2 भी डिवाइड होते हैं, 8 भी डिवाइड होता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, उसके बाद 4 से भी कर लेंगे ताकि हमारे पास नीचे 1 1 बच जाए। ठीक है, जब नीचे हमारे पास 1 1 आ जाए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जितने भी हमारे पास डिवाइजर है 1/1 ये वाले, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, इस केस में एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 2 × 4 विच इज 8। अगर कोई कॉमन डिवाइजर हो डिनोमिनेटर्स का तो एलसीएम इस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर कोई कॉमन डिवाइजर ना हो एलसीएम के लिए जस्ट उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था इस केस में। ठीक है, अब जब हमारे पास एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे इसको, ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा 8 और फिर यहाँ से अगेन वही स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी कि पहले क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8/2 प्लस 4 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और उसके बाद प्लस अपनी जगह पर फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर 8 के साथ में हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ये बन जाएगा जनाब 4 + 3/8, तो ये तमाम हमारे पास फ्रैक्शन को जमा करने का तरीका है। ठीक है, अगर प्लस हो तो प्लस करेंगे, इसी तरह से अगर माइनस है तो हम माइनस करेंगे, सही है, वैसे हम माइनस है तो हम माइनस भी करेंगे, कोई इशू नहीं है, कैंडल स्टे। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास बेसिक अलजेब्रा की बातें जो कि हम डिस्कस करना चाहते थे, मैं चाहता था कि आप थोड़े से इन चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, ये हो गई स्टोरी हमारे पास हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे। ठीक है, आगे जाते हैं, आगे एक बार फिर डिस्कशन फंक्शन के बारे में, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव के साथ ताल्लुक टॉपिक है, डेरिवेटिव जो है वो होली सोली हम डिस्कस करेंगे
फंक्शंस के ऊपर। तो पहले डिस्कस करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास एक्स का कोई ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है मेरे पास स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, ये भी एक फंक्शन है। इन जनरल फंक्शन क्या है, दिस इज जस्ट अ ब्लॉक ऑफ एक्सिस। सपोज हमारे पास कुछ मेटा फंक्शन भी होते हैं, सपोज हमारे पास है साइन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन है। हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स, हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये भी फंक्शन है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये भी फंक्शन है। ये पूरी फर्दर हमारे पास है साइन ऑफ एक्स बाई सीकेंट ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन है। हर वो जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो वो एक फंक्शन होता है, ठीक। जो वो होता है एक ब्लॉक है, जैसे मतलब मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का पावर थ्री, ये भी एक फंक्शन है। तो फिर इस तरह से हमारे पास फंक्शंस की कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती है, कुछ इसके अकसाम आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो जो बेसिक है वो एक है हमारे पास है सबसे पहले अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में क्या होता है, अलजेब्रिक में हमारे पास जस्ट ये एक्स के ऊपर अगर हम ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, इसके रूट लेंगे, पावर लेंगे, और उससे जो भी बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, सो दिस इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। नॉर्मली हम उसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पर बेसिकली एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो वो बन गया एक्स स्क्वेयर। ये वैसे सेम है पावर, इसके भी हो इसका भी पावर उसमें जमा हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। फिर हमने इसको इससे एक एक्स को माइनस कर दिया और वन इसके साथ प्लस कर दिया। जब हमने वन इसके प्लस कर दिया तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, हमने एक्स के ऊपर ही ऑपरेशंस किए। और ऑपरेशंस का मतलब क्या है, ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट फोर्थ रूट एक्सेट्रा और पावर्स। तो इस ऑपरेशन से जो नतीजतन हमारे पास जो भी बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब भी मिल लिया, फिर एक्स का स्क्वायर रूट लिया, उन दोनों को माइनस किया, फिर एक्स को टू पे डिवाइड कर दिया, तो ये सारा मतलब क्या बन गया मेरे पास, एक फंक्शन बना, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन है वो कौन से होते हैं, आप सबको पता है कि छह फंक्शन हमारे पास, एक है साइन ऑफ एक्स, एक है कॉस ऑफ एक्स, एक है टेंजेंट ऑफ एक्स, और एक है कोसेकेंट ऑफ एक्स, एक है सेकेंट ऑफ एक्स, और एक है कोटेंजेंट ऑफ एक्स। तो ये छह फंक्शन हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास और फंक्शन आएंगे, हम जब आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और भी हमारे पास लेकिन कोशिश कर लेते हैं। एक हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 है और 1 के ऊपर x है, और मेरे पास 2 है, 2 के पावर में x है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 है, 10 का पावर x है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 है और 1/2 का पावर x है। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो बेस होता है, जो बेस वो होता है कांस्टेंट, और जो पावर होता है वो होता है वेरिएबल, तो मतलब क्या एक्स होता है। देखो ये हमारे पास हो, ये बेस है, ये वन, ये कांस्टेंट है, वन है, और आप देखो ये पावर हमारे पास, ये पावर यहाँ पर वेरिएबल है, पावर यहाँ पर वेरिएबल है, पावर यहाँ पर वेरिएबल है। तो हर जगह पर बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल, तो इसको हम क्या कहेंगे,
इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी आई ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है, एक एक मिसाल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आगे जाते हैं, और भी हमारे पास इसमें है, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली ये है। सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्स्टेंट रूल, कॉन्स्टेंट रूल का मतलब क्या है, इसको देखिए, कॉन्स्टेंट रूल, जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट नंबर का मतलब 3 का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई डी एक्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 है, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, 5 का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है डेरिवेटिव 0, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 1000 क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ का पास नंबर है, ये भी क्या हो जाए, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी हो जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 0.0001, ये भी 0 0। तो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं उन सबके डेरिवेटिव क्या होंगे, 0। रिमेंबर, जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। उसको कहते हैं क्या, कांस्टेंट, ठीक है। आगे जाते हैं, हमारे पास अगला है सम रूल। सम रूल का मतलब क्या है, सम रूल का मतलब ये है कि जिस दिन हमारे पास हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और अंदर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेट सपोज एक है अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर और एक है 2 पावर x एक्सपोनेंशियल, लेट सपोज अगर हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास हैं, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का समूह ये कहता है कि ये डेरिवेटिव दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x, ये इसका इस पहले इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस फिर यही भी बड़े इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सम। और यही डिफरेंस रूल भी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो, माइनस हो, लेट्स सपोज एक्स क्यूब माइनस 3 पावर x, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 पावर x, इसके ऊपर अलग डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं क्या सम। अगर बीच में माइनस हो, अगर बीच में माइनस हो तो दोनों के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, इसको हम कहते हैं क्या सम। उसके बाद हमारे पास समरूल हो गया, डिफरेंस हो जाएगा हमको दोनों तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या रखेगा, दो फंक्शन है, क्या है, एक जी है, दो प्लस में है, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या होगा, दोनों पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर अलग हो जाएगा, इसके ऊपर अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे जाते हैं, अगला है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते फिर आगे जाते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये क्या कहता है कि जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो किसी फंक्शन का, लेकिन उस फंक्शन के साथ बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये जो कांस्टेंट नंबर है ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मल्टीपल। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 5x³, तो ये जो 5 है ये k है, ये कांस्टेंट है, और ये जो एक्स क्यूब है ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन, ठीक है। तो हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो कांस्टेंट होगा ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, बाहर बैठ जाएगा 5 अपनी जगह पर, और फिर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव, इसको कहा जाता है कांस्टेंट मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 ऑफ एक्स पावर 7। अब की बार क्या है, अब की बार ये जो 1/3 है ये 1/3 ये कांस्टेंट है ये, और ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये हमारा f(x) है,
ये इस केस में f(x) क्योंकि x का फंक्शन है। तो जब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई उसके साथ, तो इस रूल के मुताबिक, कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक, ये जो कांस्टेंट है ये डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएंगे, बाहर बैठ जाएगा। हमें क्या हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस वालों सिंबल को। अब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो हमारा अगला टॉपिक है, रिमेंट टॉपिक अगर हमारा ये है। लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी तरतीब समझा रहा हूँ कि हम तरतीब इस तरीके से लेके जाएंगे, डेरिवेटिव इक्वेशन इस तरीके से तरतीब बनाएंगे, हम उसको ऐसे आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये कहा मल्टीपल। अब हम आते हैं मेन टॉपिक, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये सारी चीज़ इसके लिए जरूरत है कि आपको उन चीज़ों का आइडिया बन जाए, पता हो जाए। अच्छा जी, पहला हमारा फार्मूला डेरिवेटिव का क्या है, तो हम कहते हैं पावर रूल, पावर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझाना, ये है जनाब पावर। तो पावर रूल में क्या होता है, पावर रूल में ये है कि अगर हम किसी दिन डेरिवेटिव ले रहे हैं ऐसे फैक्टर का जिसमें क्या है, एक्स के ऊपर कोई नंबर है, कोई पावर है, ठीक है। एक्स के ऊपर क्या है, कोई पावर है एन, एन इज एनी नंबर। तो डेरिवेटिव का रूल ये कहता है कि जब आप एक्स के ऊपर किसी फंक्शन नंबर का मौजूद हो, उसका डेरिवेटिव किस तरीके से आएगा, वो आएगा इस तरीके से कि ये पावर आ जाएगा नीचे, फिर ये एक्स और इसके ऊपर जो पावर एन था उसमें से एक कम आएगा। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन इज व्हाट, एन टाइम्स एक्स पावर एन माइनस वन। मतलब सिंपल अल्फाज में क्या होगा, जो पावर होगा ये पावर आ जाएगा नीचे और पावर में से एक कम, ये होगा पावर। जब भी हम एक्स किसी पावर का डेरिवेटिव लेंगे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को नीचे लाएंगे और उसके पावर में से एक का माइनस करेंगे। ये एक कहते हैं डेरिवेटिव का पावर। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्या है, लेट सपोज मेरे पास है, मेरे पास है एक्स पावर सेवन, इसका मैं डेरिवेटिव लेगा एक्स पावर सेवन, तो ये सेवन पावर है, ये हो गया हमारा एन। बिल्कुल मुताबिक क्या होगा, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन, सबसे पहले एन, ये पावर नीचे, तो ये सेवन नीचे जाएगा, फिर ये x, फिर इस 7 में से एक कम आएगा, 7 एक्स पावर 6। अगर मेरे पास है लेट सपोज x पावर 12, डेरिवेटिव ले रहा हूं इसका, ये क्या हो जाएगा, 12 और x पावर 12 माइनस 1 मीन्स 12 नीचे पावर में से एक कम हो गया 11। अगर मेरे पास है x पावर लेट सपोज 35, 35 है, क्या ले रहा हूँ, डी बाई डी डेरिवेटिव ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पावर नीचे, 35 नीचे, 35 में से एक कम हो जाएगा 35 एक्स पावर 35। दिस इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और ये हर किस्म के नंबर के लिए काम करता है, सिर्फ पॉजिटिव के, नेगेटिव के भी ये काम करता है। हमारे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 नीचे और x की पावर में से एक कम, तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स सपोज एक्स पावर माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे, उसमें से एक कम करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 एक्स पावर माइनस 2। मैं समझ में नहीं लिखते, मेरे पास हो जाएगा माइनस एक्स पावर माइनस 2। अच्छा, अब ये भी याद रखें, ये हमारे पास काम करता है किसी भी फ्रैक्शनल पावर के लिए, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या है, x पावर 3 बाई 2 है, अब के बाद हमारा n ये है जो x के ऊपर बैठा है, ये हमारा n होता है। तो अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो क्या बन जाएगा, पावर नीचे 3 बाई 2 नीचे और इसके पावर में से एक कम हो जाएगा 3 बाई 2, ये x। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है तो एलसीएम बन जाएगा, इसके नीचे ऑलरेडी 1 बैठा है, एलसीएम निकालेंगे तो 2 बन जाएगा, इसके एलसीएम ये 2 माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, जो आपने मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया था, ये बन जाएगा जनाब 3 बाई 2 एक्स पावर 3 माइनस 2 से आ जाएगा 1 और नीचे 2 हो गया।
फंडामेंटल 3 बाय 2 एक्स पावर फंडामेंटल बस क्या है तो बस है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 बाय 3 आपके पर एन क्या है एन हमारे पास 7 बाय 3 है तो पावर नीचे तो 7 बाय 3 नीचे फिर पावर में से एक कम 7 बाय 3 से एक कम 7 बाय 3 अपनी जगह पर एक्स एलसीएम निकालेंगे 3 आ जाएगा और चूंकि यहाँ पर 3 है तो ये एज इट इज आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा 7 आ जाएगा ये सब जगह पर यहाँ पर नीचे 1 बेटा है तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का हो जाएगा 3 7 बाई 3 एक्स पावर 4 बाई 3 सो दिस विल बी द 7 बाई 3 और एक्स की पावर में आ जाएगा ये है हमारे पास क्या ये हमारे पास है पावर पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का जो हम भी डिस्कस कर रहे हैं ठीक है आगे जाते हैं अगला जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है उसको समझना है बहुत अहम रूल है मैं अपने यहाँ पर लिख के समझाता हूँ पावर रूल है पावर रूल प्रोडक्ट ये हमारे पास प्रोडक्ट ये कहता है कि अगर किसी दिन हम इस तरह ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसमें एक की बजाय दो फंक्शन आए हो और उन वो आपस में किस तरह से हो आपस में प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में मतलब ये भी एक्स का फंक्शन है यू और ये वी भी एक्स का फंक्शन है लेकिन बीच में प्लस नहीं है बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है जब हम इस तरह की दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे पहले हम लेंगे ये बाहर ये जो पहला फंक्शन है ये एज इट इज आ जाएगा यू जगह और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का साफ वाले फंक्शन ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वी पहला फंक्शन अपनी जगह पर जो था वही आ जाएगा हमारे पास जो यहाँ पे था हमारे पास हो वही यहाँ पर आके बैठ जाएगा फिर साथ पे मल्टीप्लीकेशन और फिर ये जो दूसरा फंक्शन था वी इस वी का डेरिवेटिव फिर आएगा प्लस फार्मूले का फिर पहले फंक्शन डेरिवेटिव यहाँ पर पहले स्टेप में ले चुके हैं अब ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर ले चुके हैं यहाँ पर हम ले चुके हैं डेरिवेटिव से अब ये दूसरा फंक्शन अपनी जगह पर बैठ जाएगा एज इट इज जो यहाँ पर और अब की बार डेरिवेटिव लेने की बारी किस चीज़ की है पहले फंक्शन यहाँ पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हमारे पास वाजे हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 और एक्स पावर 4 ठीक है तो हमारे पास दो फंक्शन हो गए ये एक हो गया यू और एक हो गया वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा पहले हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब यू की जगह और फिर इस दूसरे वाले का डेरिवेटिव इस वी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 फिर प्लस फार्मूले पर फिर अब ये एक्स पावर 4 अपनी जगह पर आ जाएगा और पहले वाले फल का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेंगे किसी भी प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हम इस तरीके से लेंगे ठीक है तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बस एक्स क्यूब इज इट आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स 4 अब देखो ये एक्स पावर एन का फॉर्म है प्रोडक्ट पावर रूल का स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा पावर नीचे हो जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा ये हो जाएगा 4x³ ठीक है और ये अब के बाद एक्स 4 मुझे ऊपर बैठ जाएगा अब अगेन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे पावर रूल लगाएंगे ठीक है तो मतलब ये क्या हो जाएगा पावर नीचे 3 नीचे और इसमें से एक कम हो जाएगा 2 तो ये बन जाएगा जनाब हमारे पास 4 और ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब सारे मल्टीप्लीकेशन में है ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर 3 प्लस 3 प्लस ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर हम निकाल लेंगे ये हो जाएगा 3
और ये एक्स पावर 4 और ये एक्स पावर 2 ये बेसिस सेम है, ये सारा प्रोडक्ट में है। तो जो हमने पहले रूट पढ़े थे उनका था कि पावर इसमें ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 4 + 2, तो ये हो जाएगा 4x⁶ + 3x⁶, इट बिकम्स 7x⁶। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइंड करना है 3/dx आल्सो x + 3, और लेट्स सपोज मेरे पास है x² + 1, ठीक है। अब देखिए ये एक फंक्शन हो गया हमारे पास u, और ये जो है हमारा पास दूसरा फंक्शन हो गया इज v। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्रोडक्ट रूल का भी क्या हो जाएगा, ये पहला फंक्शन उन्हीं के ऊपर बैठ जाएगा x + 3, और हमने ले ये डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का d/dx ऑफ x² + 1, तो प्लस फार्मूला का देखिए वो जो जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है वो एक ही तो कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल तो क्या करेंगे, पहला फंक्शन अपनी जगह पर और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस फिर दूसरा फंक्शन अपनी जगह पर v, और फिर पहला फंक्शन का डेरिवेटिव इज d/dx ऑफ, ठीक है। तो ये रूट हमने अप्लाई कर दिया, ये u अपनी जगह पर, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस v अपनी जगह पर, तो ये हो जाएगा x² + 1, और फिर d/dx ऑफ u इज व्हाट इज x + 3, तो ये हो जाएगा x + 3। और इसमें सिंपलीफाई करते हैं, ये x + 3 तो मुझे पता है कि मेरे पास और इसमें कोई सिंपलीफिकेशन अभी तो नहीं है, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों डेरिवेटिव दोनों के ऊपर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव पहले x x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर नीचे, और पावर में से एक को मतलब 2 से 1 बन जाएगा, तो प्लस। और ये हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, पहला जो हमने पढ़ा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। जब हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे 1 का, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस ये x² + 1 अपनी जगह पर। और अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे दोनों का अलग अलग, सबसे पहले x x का डेरिवेटिव बन जाएगा 1, और 3 का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपको याद रखिए d/dx ऑफ x जो होता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है, हमेशा 1 के बराबर। ये पावर रूल आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं,